लेकिन बस ये कि जैसे आप लोग जानते हैं और आप भी जानती हैं कि मेरी इस क्वारंटीन में ही शादी हुई है, तो मैं कहती हूँ कि एक तरीके से मेरे लिए ये बहुत बेनिफिट भी है कि मैं मेरी टोटली अरेंज शादी हुई है और मुझे नोइंग मेरा उनका लाइक प्रोसीजर चल रहा है मेरा अभी उनका घर बैठे बैठे, भले रोजे चल रहे लेकिन मैं उनको रोजों के साथ साथ जान भी रही हूँ, सिलसिला चल रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है. बस सिखा जो गया वो ये टाइम सिखा रहा है कि मतलब हम जो मैंने बचपन से रीमा जी एक बात सुनी थी कि ना अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैंने सिर्फ सुनी थी और मैंने कभी देखा नहीं था. मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हम तो सब कुछ वो कर रहे हैं जो हमारा दिल करता है और ये वो, तो अब देख लिया. मराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद. ब्रेक पर जाने से पहले मनमोहनी निमरा खान ने कहा कि बंदे तो करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ. अगर तो वो करे जो मैं चाहता हूँ तो यकीन करके वो होगा जो तू चाहता है. तो रब ताला ने वो किया जो वो चाहता था. आपकी ज़िंदगी में कैसी शख्सियत आ गई जिनसे आपकी कोई इंट्रैक्शन भी नहीं थी और इट्स टोटली अरेंज मैरिज. तो ये कैसे, ये रब की रजा पर आपने सरखम कर दिया? बिल्कुल. सबसे पहले तो अल्लाह मियां, फिर उसके बाद माँ बाप. और कभी मतलब हमेशा से सोचा था कि हाँ अरेंज मैरिज होती है ये लाइक, लेकिन लिटरली पूरा नाम भी मुझे मुकम्मल नहीं उनका पता था. और ज़रूरी नहीं है कि नाम मुकम्मल पता होना चाहिए तो ही ज़िंदगी गुजर सकती है, लेकिन जितना मैंने अब तक उनको जाना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ मेरी सास खासतौर पर रीमा जी सबसे ज़्यादा मुझे बिगाड़ने वाली वो हैं. लाड से इतना प्यार करती है मुझे. मतलब मैं सोचती थी कि ससुराल जाते ही सबसे पहले बहनों ने ना मुझे छोटी मोटी चीज़ें, ये ना ये बहुत जल्दी पक जाता है, खीर तो इतनी जल्दी पक जाती है, ये तो खिला ही देना ना उनको, मतलब इस तरह ना. लेकिन मेरी सास ने तो मुझे ग्लास तक नहीं उठाने तक की तौफीक दी, इतना मुझे लाड से उन्होंने रखा है. और मेरे शौहर हैं भी लंदन से और ही पुलिस ऑफिसर है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो वो बड़े ओपन माइंडेड है, बड़े लिबरल हैं. मतलब आज मैं आई कांट वेट टू सी यू, मतलब और हम लोग तीनों बैठ के बस आपका एवरीडे का शो देख रहे होते हैं, हम लोग तीनों साथ लेटे होते हैं और आपको देख रहे होते हैं. अच्छा. और मेरी सास कहती है क्या ये बोलती कितना प्यारा है, ये बोलती कितना मीठा है ना, मतलब क्या पर्सनैलिटी है इसकी. तो मेरी सास अभी आपको देख रही होंगी डेफिनेटली. तो या थैंक यू निमरा की सास, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो को देखती हैं, और अगर आप मेरी तारीफ करती हैं तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया. अपनी दुआओं में याद रखें. और देखें अल्लाह ताला ने, शायद आप इतनी पॉजिटिव हैं और दूसरों की आप सिर्फ अच्छाइयाँ देख रही हैं, बुराइयाँ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये आपके अपना हुस्न नज़र है, इसलिए अल्लाह ताला ने इतना हसीन चेहरा, ऐसा प्यारा चांद आपके घर की रौनक बना दिया. लव यू रीमा जी, लव यू. आई लव यू टू स्वीट हार्ट. अच्छा मुझे ये बताओ कि सास की आपने तारीफ कर दी, मियाँ की आपने तारीफ कर दी, ननंद भी हैं आपकी? जी, वो भी देख रही है. और मजे की बात ये कि इतना तो मेरे शौहर पोजेसिव नहीं है जितना मेरी नंद का बेटा पोजेसिव है मेरे बारे में. मतलब किसी टाइटल पे मैंने अगर हीरो के हाथ रखा हुआ है शोल्डर पे, उन्होंने हाथ क्यों रखा हुआ है, उनकी तो मेरे मामू से शादी हुई है उन्होंने इस तरह. और उनको बोल दो कि ना उनकी कोई तारीफ ना किया करे लाइव चैट पे किसी, उनको बोल दो बस मैं और मुझे नंबर दे, मैं उनसे बात किया करूँगा. तो एक फैमिली ऐसी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ मुझे हमेशा ये कहती है ये तुम्हारी दुआओं का असर है, ये तुम्हारी दुआओं का असर है निमरा कि तुम्हें ऐसी फैमिली मिली. अल्हम्दुलिल्लाह सच कह रही हूँ निमरा जी, दुआएं रद्द नहीं होती हैं. अल्लाह मियाँ का जवाब देने का तरीका कुछ अलग है. या तो वो यस कहते हैं कि या तो फ़ौरन उसी वक्त हो गई, या तो वो कहते हैं कि अभी वो वक्त नहीं है, या तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है. तो ये तीन तरीके अल्लाह का जवाब दे देगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते कभी कभी. तल्लमिया ने इस बार मुझे यस कह दिया और मेरे नसीब में मुझे इतने अच्छे लोग मिले. और मेरी फैमिली ऐसी है कि मेरे माँ बाप भी, मेरे ससुराल वाले भी, मैं अभी भी पैंट शर्ट्स पहनती हूँ. मैं मतलब मैं जो टॉम बॉय हूँ ना मैं हमेशा से, ये तो मैं बस आप लोग के लिए ऐसे नजाके से, लेकिन मैं हमेशा से टॉम बॉय रही हूँ, लड़कों की तरह चलना भी लड़कों की तरह, बातें भी लड़कों की तरह. तो मेरा शौहर मुझे कहता है वो मेरा छोटा डॉन आ गया, इधर आ इधर मेरा छोटा डॉन आ गया. तो मेरा शौहर मुझे छोटा डॉन कहता है मुझे. पता है निमरा, आपकी पर्सनैलिटी की आपसे मेरी पहली मुलाकात है, मगर आपकी पर्सनैलिटी की सबसे खूबसूरत बात जो है
कि आप किसी भी जगह जाएं, उस जगह की अहमियत का एहसास है, उसके अदबो आदाब है, आप उसको फॉलो करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी हमारी जाती करदा ना करदा, गलतियाँ, खताएँ, अच्छाइयाँ, उस सब के हम जवाब दें अपने रब को, हम इंसानों को जवाब देनी है। लेकिन हमें हमारे साथ जो रिश्ते वाबस्ता होते हैं, हमें उनकी खुशी और पसंद नापसंद उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह ताला ने नाम दिया, मकाम दिया, शोबिज़ के अंदर जब आप आते हैं तो आप पर एक लेबल लग जाता है, लोग आपको एक डिफरेंट आप इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, आप कैसी शख्सियत के मालिक हैं ये सिर्फ वही जानते हैं जो आपको मिलते हैं, मगर अमूमन लोग अपने अपने अंदाज से राय कायम करते हैं। तो आपके बारे में मेजॉरिटी की शुरू में क्या राय थी? शुरू में तो लोग बड़ा न्यूट्रल, मतलब कभी अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैंने सिर्फ सुनी थी और मैंने कभी देखा नहीं था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हम तो सब कुछ वो कर रहे हैं जो हमारा दिल करता है और ये वो। तो अब देख लिया मतलब अब देख लिया कि अल्लाह है और अल्लाह ने कहा कि मैं हूँ, देख लो। कोई मज़हब, कोई दीन, कोई ईमान कुछ नहीं, ऐसी बस ये पूरी दुनिया की एक आजमाइश है। तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इस चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये जो मुसीबत हम पे पड़ी है ये सज़ा है कि ये मुसीबत है, ये आजमाइश है कि ये सज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मुसीबत तुम्हें खुदा से करीब कर दे और तुम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहो तो वो आजमाइश है, लेकिन जो सज़ा तुम्हें खुदा से ही दूर कर दे और तुम ये कहो कि मैं ही क्यों, अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, तो फिर वो सज़ा है। वो सज़ा है। तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें, ये क्या इस क्वारंटीन के वक्त में किताबें पढ़ी हैं? नहीं 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 नहीं, ये मुझे मेरे उस वक्त ने सिखाया था रीमा जी, जब आपने जब कहा कि जिंदगी और मौत, तो जब मैंने वो वक्त देखा, जब मैंने वो वक्त देखा तो मुझे उस वक्त बहुत कुछ मैंने सीख लिया था कि कौन मेरे अपने थे, कौन नहीं थे। कितनी बार मैंने अपनी आंखों से भी नमाज पढ़ी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है, अल्लाह ने मुझे सज़ा नहीं दी है। मैं उस वक्त स्क्वाश खेलती थी, मैं स्क्वाश प्लेयर थी जहांगीर खान के साथ, मैं अंडर 19 स्क्वाश खेलती थी, बट आफ्टर माय लाइक एक्सीडेंट मैं भाग नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, वो ज़्यादा डिप्रेशन था मेरा। लेकिन फिर भी अगर मैं अल्लाह के इतने करीब थी और मैं कभी कोई गिला नहीं करती थी, मैंने अपने घर आने के बाद 4 दिन के बाद मैंने गज़ल नाइट रखवाई अम्मी अब्बू के लिए, जबकि सब कुछ मैं व्हील चेयर पर बैठी हुई अम्मी अब्बू, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया। मैं तो बेहोश रहती थी, मतलब मुझे तो लाइक नींद के इंजेक्शन लगा दिए जाते थे, लेकिन वो मुझे आँखों से देखते थे और उनकी कुर्बानियाँ जो थी वो मैं अब नहीं भूल सकती। कि मुझे हमेशा ना रीमा जी, मुझे हमेशा से शौक था कि एक सादगी से शादी हो मेरी, हमेशा से कोई धूमधाम धूम धड़क के ना हो, बस सादगी से हो। मुझे खर्चा करवाने का कभी शौक नहीं था। क्यों पता नहीं क्यों, मतलब मैंने इसलिए क्योंकि आई एम अ गुड ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ चीज़ें। तो मैंने आज तक जितनी चीज़ें देखी कि इतने धूम धड़कों से होती हैं चीज़ें, इतनी खुशहाल जिंदगी, मतलब वो शादियाँ होती हैं, महंगे महंगे जोड़े होते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद ही जिंदगी वैसी ही हो जाती है जैसे लड़की एक, मतलब कहते हैं ना कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ एक मिथ है, लेकिन ये मिथ तब तक है जब तक आप इसको अजाब बना रहे हो, लेकिन अगर आपकी मर्जी आप इसको खूबसूरत भी बना सकते हो। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी जब मैं अपनी शादी के 10 साल गुजार लूँ ना तब मेरी शादी कीजिएगा धूमधाम से। और ये सब माँ बाप को मुझे कहना है कि इतना पैसा तब खर्च किया करें अपनी औलादों पे जब वो एक टाइम पीरियड गुजार चुके हो अपने मियाँ और अपनी बीवी एक दूसरे के साथ। तो मेरी सादगी से ही हुई शादी और मैं एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से ऐसी चाहती थी, इसलिए हमेशा जो बोले सोच समझ के बोले, क्योंकि कभी भी आपकी कबूलियत की घड़ी हो सकती है। निम्रा, अभी आपने बातों के दौरान मेंशन किया कि आपका एक्सीडेंट हुआ और बिल्कुल मौत को बहुत करीब से आपने देखा। एक तो ये बताएं कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, गाड़ी की तेज़ रफ्तारी थी, ताकि ये भी लोगों को अंदाज़ा हो, ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि गाड़ी की भी एक टाइमिंग है, उसको भी एक मशीन है, उसको उससे ज़्यादा आपने नहीं तेज़ चलाना। तो ये भी आपका मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है तमाम सुनने वालों के लिए। मैं 4 दिन से सोई नहीं थी रीमा जी, और आप शूट पर थी? शूट पर थी मैं, प्लीज ये वाकया जरूर आप मुझसे। मैं सेट पर थी और मैं बैक टू बैक शूट कर रही थी, और हमेशा से अम्मी ने ही निवाले बना बना के मुँह में खिलाया ना खाना, और
23 साल की उम्र तक मुझे निवाले भी नहीं बनाने आते थे, बड़ा लाड प्यार सा माँ बन रखा, तो इंडस्ट्री में डाल दिया। अब इंडस्ट्री अच्छा, मतलब इंडस्ट्री एज इन हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया में हर अच्छा बुरा कहीं ना कहीं होता है, हर शोबे में होता है। तो अच्छाइयों को तो सामना करने की थी अंदर टेंडेंसी, लेकिन बुराइयों को समझने की नहीं थी कि बुरा कौन है। तो अम्मी हर जगह जाती थी साथ, हर जगह साथ जाना, नहीं मेरी बच्ची ये ना हो जाए, मेरी बच्ची हाथ से ना निकल जाए, मेरी बच्ची बिगड़ ना चाहे। लेकिन अम्मी अब्बू को एक मकाम पे भी देखने का मुझे हमेशा से शौक था। तो क्या कहते हैं, अब गाड़ी अब्बू ने गिफ्ट की तो नई नई आज़ादी ना दी मुझे अम्मी अब्बू ने, कहना जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। तो ना मतलब नई नई आज़ादी मिली, तो कहते ना हजम नहीं हुई मुझे, मैं बगैर सोए ड्राइविंग कर करके जा रही थी अकेले। और शादी सीक्वेंस था, रात को शूट 2:30 बजे ख़त्म हुई, मैं जा रही थी, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, लाइक मैं जा रही थी और एकदम से मेरा बीपी लो हुआ बगैर सोए हुए, और मेरी आँख लगी और मैं स्टेयरिंग पे गिर गई। अब वो ऑटोमेटिक गाड़ी थी, तो मेरे वजन की वजह से एक्सीलेटर पूरा दब गया। अब वो एक्सीलेटर दबा तो 120-140 की स्पीड हो गई पूरी मेरे वजन से, और वो आर्मी की जीप में घुस गई पूरी। और जब वो घुसी है तो मुझे अपने 15-16 दिन की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, बिकॉज आई वॉज़ अनकॉन्शियस। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू जो मुझे बताते हैं या लोग जो मुझे बताते हैं, मैं वही फिर आगे बताती रहती हूँ कि मेरे लिवर पे स्टेयरिंग हिट हुआ था, मेरे ब्रेन में शीशा हिट हुआ था, क्लॉटिंग हो गई थी ब्लड की, और 5 जगह से मेरी राइट लेग अलग हो गई थी, टूट गई थी बिल्कुल। और मैं 1.5 साल व्हीलचेयर पे रही हूँ, मोहताजी पे रही हूँ मैं। और उस वक्त जब भी आँख खुलती थी तो कोई नहीं दिखता था, बस अम्मा अब्बा ही दिखते थे मेरे। और जिस जिस वक्त मुझे रात का खाना नहीं मिला, उस रात मेरे माँ बाप ने खाना नहीं खाया।